time to sort out all the fights. Yeah. Sort out. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा अभी हम लोग एक बहुत ही छोटी ट्रिप के लिए मिजोरी गए थे। अगर नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो ट्रिप पे जाने से पहले ना मैंने मील्स को एक्सटेंसिवली प्लान कर लिया था, जस्ट इन केस कि हमें बाहर ज़्यादा खाना ना पड़े, बिकॉज कोविड का टाइम है। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ लिटिल मोर सेफ, बट एट द सेम टाइम मुझे एक छोटी सी ब्रेक चाहिए थी अपनी रूटीन से। तो मैंने यहाँ पे कुछ मील प्लान कर लिया था और साथ में जो भी बच्चों के साथ मुझे सामान चाहिए होगा उसकी मैंने प्लानिंग कर ली थी। ये एकदम रैंडम ट्रिप थी, हम लोगों ने थर्सडे प्लान किया था, हम लोग फ्राइडे निकलने वाले थे और संडे वापस आने वाले थे, तो उसके हिसाब से सारी प्लानिंग की गई थी। यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन पैक कर लिए हैं बिकॉज हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक किया था अपने स्टे के लिए, और एयरबीएनबी में किचन होता है, आप वहाँ पे अपने लिए मील्स वगैरह कुक कर सकते हो। तो मैंने कुछ सिंपल यूटेंसिल्स रख लिए थे। वैसे एयरबीएनबी में यूटेंसिल्स भी मिल जाते हैं, बट आई थॉट कि मैं अपने ही यूटेंसिल्स में कुक करूँगी, तो ये सारे यूटेंसिल्स रखे हैं। और साथ में कुछ क्लीनिंग सप्लाईज रख ली थी, जैसे कि एक डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने छोटी सी बॉटल में रख लिया था, स्कॉच ब्राइट रख लिया था और बॉटल क्लीनर रख लिए थे मैंने। और ये मैंने कुछ स्नैक्स पैक किए थे बिकॉज ये रोड ट्रिप थी तो हम लोग कार से जाने वाले थे अपनी, तो मैंने सोचा कार में मस्ती से खाते पीते हुए जाएंगे फैमिली के साथ तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों के साथ जो भी स्नैक्स मुझे लगेंगे वो मैंने पैक किए हैं। और ये मैंने चाय का सामान पैक किया है, टी लीव्स, गुड़ और कूट के अदरक रख ली थी कि गर्मा गर्म चाय बना के पियेंगे। और ये कुछ सफोला मसाला ओट्स मैंने रख लिए थे ओट्स बनाने के लिए। और बेसिकली जो मैंने मील्स प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, और ऐसे एक कंटेनर में थोड़ा सा घी रख लिया था और नमक रख लिया था। और जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे फ्राइडे को, उस दिन के लिए भी मैंने कुछ खाना घर से ही पैक कर लिया था, और ये मैंने कुछ डिस्पोजल्स रख लिए हैं। You can take me high. मैं अपने दोनों बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम निकल रही थी तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंडेड प्लानिंग की थी, और सारा सामान अच्छे से पैक करके हमने अपनी गाड़ी में स्टफ कर लिया है। और बस अब ट्रिप को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप भी हम लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। आज है फ्राइडे का दिन और हम लोग अराउंड 12 o'clock घर से निकले हैं। बच्चों के साथ निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया था, सोचा था 10 o'clock तक निकल जाएंगे, बट देन 12 बज गए थे निकलते निकलते। और निकलने के बाद लंच टाइम हो रहा था, हमें काफ़ी भूख लगी थी। मैंने जैसा कि बताया मैं घर से ही खाना पैक करके लेकर आई हूँ, तो हमने एक छोटा ब्रेक लिया है यहाँ पे रुक के, हम कार में ही बैठ के अपने घर से जो खाना बना के लाए हैं वो इंजॉय करेंगे और फिर आगे की जर्नी कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टॉप था विलो ब्रुक में, ऑलमोस्ट 1 hour के बाद हमने थोड़ा स्टॉप किया था क्योंकि ये लंच टाइम था। लंच सबने कर लिया है, घर से बना के लाई थी मैं, सब लोग फिर से कंफर्टेबल हो गए हैं। केशव को भी मैंने फीड वगैरह कर दिया है, और अंशुल ने अपनी कॉफी भी ले लिया स्टारबक्स से, और गोविंद ने केक पॉप लिया था। गोविंद एक्साइटेड है? वी आर गोइंग ऑन अ फैमिली ट्रिप। गोविंद सबसे ज्यादा एक्साइटेड है फैमिली ट्रिप पे जाने के लिए, तो चलिए आगे की जर्नी करते हैं। वहां पीछे केशव भी उठ गया है। ये हमारा हॉल्ट नंबर 2 है, बच्चों के साथ आराम से रुकते रुकाते खाते पीते हुए जा रहे हैं हम लोग। रेस्ट एरिया था बहुत अच्छा, यहाँ पे छोटा सा प्लेग्राउंड भी बना हुआ है। प्लेग्राउंड में तो नहीं रुकेंगे बट हाँ सिटिंग एरिया है, थोड़ी देर बच्चे भी चिल कर रहे हैं कार से बाहर निकल के। केशव अभी उठा है, वो सोता हुआ आ रहा है घर से, और गोविंद ने भी खूब मस्ती की कार में। क्या कर रहा था गोविंद कार में? टीवी देख रहा था और म्यूजिक सुन रहा था। म्यूजिक सुना उसने, टीवी देखा, और अभी हमारे पापा जी भी ड्राइवर वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे आगे। जब अपनी फैमिली के साथ आप मिलके रोड ट्रिप करते हो ना, बॉलीवुड गाने लगा के स्नैक्स खाते पीते जाते हो, बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी।
ये हमारे घर से जर्नी थी सेंट लुई की अराउंड 4.5 hours की, बट हम बच्चों के साथ रुकते रुकाते मस्ती करते कराते अराउंड 5 hours में पहुँचे थे। और यहाँ के जो कुछ अट्रैक्शंस हमने कवर किए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एक्चुअली हुआ क्या, आते आते हम लोगों को अपने एयरबीएनबी में चेक इन करना था, बट एयरबीएनबी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सो हमने होटल मैरियट बुक किया था रास्ते से ही और अब हम मैरियट में चेक इन करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्विकली अपना रूम टूर एक बार करा देती हूँ। ये आ गया मेरा छोटा सा बेटा केशव और गोविंद। सबसे ज़्यादा मस्ती तो इन दोनों ने ही की है यहाँ पे। तो जैसे हम रूम में एंटर करते हैं, यहाँ पे आती है एक क्लॉसेट जो कि हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, हमने बस अपना सूटकेस रखा था यहाँ पे। यहाँ पे आयरन टेबल थी, आयरन थी, टिपिकली हर होटल में यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। तो ये था क्लॉसेट और साथ में ही इसके काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा मिरर लगा हुआ था रेडी वगैरह होने के लिए। और इसके साइड में था वॉशरूम, वॉशरूम भी अच्छा था, बड़ा था, फॉर अ फैमिली ऑफ फोर इट वाज गुड। और बाथटब था, टिपिकली यहाँ पे बाथरूम्स में बाथटब ही मिलता है होटल्स में। और यहाँ पे मैं हूँ, आपको हाई कर रही हूँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे है टीवी यूनिट और टीवी यूनिट के नीचे था ये कॉफ़ी स्टेशन, तो कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो आप। हमने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक स्टव रख लिया था चाय वगैरह बनाने के लिए। और ये है छोटी सी फ्रिज, तो जो अदरक वगैरह मैं लेकर आई थी ना वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर ली थी क्योंकि एयरबीएनबी हमारा कैंसिल हो गया था रुकना। और ये है रूम का व्यू, हमने 2 beds वाला रूम लिया था जिससे कि बच्चे और हम सब एक ही रूम में कंफर्टेबल हो जाएं। और इस रूम से ना बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल था, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सामने ये भी होटल था और जो एक मेन अट्रैक्शन है वो भी दिख रही थी होटल विंडो से। You like this? Yeah. हम लोग रूम में आ गए थे, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हो गए हैं, डिनर हो गया है हम लोगों का, आज मैं जो बना के लाई थी तो वही सब चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा दूध वगैरह ले लेंगे बच्चों के लिए और फिर आर्च के आसपास का एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे। अंशुल बोल रहे हैं जाके देख के आते हैं कार से ही, इनकेस अगर घूमने का मन किया तो उतर जाएंगे, अदरवाइज अगर बच्चे सोने के लिए बोलेंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे। टीवी है तो आज शायद हम कोई मूवी देखें। कोई मूवी देखेगा? Yes, और मैं पॉ पेट्रोल भी देखूंगा। ये तो बस पॉ पेट्रोल देखना चाहता है हर जगह। और ये हैं कुछ mesmerizing monuments सेंट लुई के जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। हम लोग भी नेक्स्ट डे घूमने गए थे यहाँ पर, सो आई विल शेयर इट विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो। और हम लोग कार से थोड़ा सा घूम कर आए बाहर और आने के बाद अभी अंशुल वीडियो कॉल करा रहे हैं दोनों बच्चों के घर पे। उस और बाहर का व्यू बहुत अच्छा था हमारी होटल विंडो से, तो मैं अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। Show me what it's like to be circling among the clouds. गोविंद बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे बबल बात करना है, बबल बात करना है, बट घर में ना इतने सारे काम होते हैं कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती हैं कभी कभी, तो मैं उसे क्विकली बस घर में शावर करा देती हूँ। बट आज सोचा कि चलो हम होटल जा रहे हैं, कोई भी काम नहीं है ज्यादा, तो बच्चे को भी खूब इंजॉय कराएंगे, तो उसके लिए बबल बात लगा दिया है, अभी वो इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने हॉट प्लेट पे अपनी चाय बनाने स्टार्ट कर दी है, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और बस इसी तरीके से अपनी शॉर्ट ट्रिप को एंजॉय करेंगे। चाय बन गई है गरम गरम, हम लोगों ने हॉट प्लेट रखी थी। एक्चुअली एयरबीएनबी में जाना था और लास्ट मोमेंट पे ना एयरबीएनबी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोगों ने फिर मैरियट में चेक इन किया। तो यहाँ तो जो सामान मैं इतनी सारी प्रिपरेशन करके लाई थी वो सब कुछ नहीं काम आएगा, बट हाँ चलो हॉट प्लेट लगा लिए, बस चाय वाय बना लेंगे। चाय की मेरे को बहुत ज़रूरत लग रही थी, इतना ट्रैवल करके मैं काफ़ी टाइम बाद निकली हूँ घर से ना, तो हेडेक हो रहा था, तो मैंने कहा यार चलो चाय बनाते हैं। बस चाय के साथ गर्मा गर्म पियेंगे, दोनों बच्चों को मैं सुलाऊंगी, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूंगी और फिर कल के एडवेंचर पे चलेंगे, मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा फॉर ऑल द क्विकर अपडेट्स। चलो मैं अब इसे रखती हूँ, इसे सुलाती हूँ क्योंकि इसका स्लीपिंग टाइम हो गया है, इट्स 9:30, आई गेस 9:30 हो गया ना, 9:30 हो चुका है। तो चलिए अब मैं सुलाती हूँ, टेक केयर, बाय, लव यू, गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट, आई लव यू एंड प्लीज लर्न टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी माय चैनल।
take me. No one will ever take me away from you.